बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक जो डिज़ाइन लेकर आई हूँ वो स्लीव डिज़ाइन है। मैं आपको एक गला दिखाती हूँ जिसके साथ हमने मैचिंग जो है स्लीव डिज़ाइन की है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आएगी। कपड़ा साइडों से बचता है, हम उसकी स्लीव डिज़ाइन कर रहे हैं। ये देखिए, उनसे साइडों से मैंने ये कपड़ा निकाल के कटिंग करके स्लीव हमने अपनी जो हम नाराइज लेंथ है हमने उस हिसाब से कटिंग कर ली है। मैंने 18 इंचेस की लेंथ ली है इसकी, और क्योंकि इसके आगे मैं फ्रंट पे ये जो प्रिंटेड कपड़ा है ये डालूंगी और ये एम्ब्रॉयडरी बाजू हैं और जो वाइट प्रिंटेड कपड़ा है वो लगाऊंगी एक्स्ट्रा। ये 4 इंचेस का मैंने कपड़ा लिया है जो इसके आगे लगा रही हूँ मैं। सेंटर में मैंने 8 इंचेस का कट लगाया है, देखिए आपको दिखा रही हूँ 8 इंचेस का कट लगाया है और इसी की हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक जो प्रिंटेड अटैच करना है इसको एक सिलाई के साथ सीधी सिंपल अटैच कर देना और एक साइड से मैंने हीम कर देना है। देखिए इसमें हीम कर लिया है, हीम करके दिखा रही हूँ आपको, और सिलाई भी लगा ली है। बिल्कुल इसी तरह आपने सिलाई लगा के फिर हीम कर लेना है। मैंने हीम कर लिया है और सिलाई लगा ली है। अब हम सेंटर में जो कट लगाया था हम यहाँ पाइपिंग करेंगे, लेकिन पाइपिंग तो नहीं कह सकते, अब चौड़ी पट्टी कह सकते हैं वो लगाएंगे। ये देखिए, ये सिंपल पट्टी रख के मैंने इस तरह सिलाई लगा देनी है। अब आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, साथ में हीम करेंगे और एक ही सिलाई में इसका यानी कि एक ही सिलाई में ये हमारी लग जाएगी। अब हम एक सिलाई और मारेंगे, बिल्कुल साथ साथ पट्टी की साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिंपल जैसे पहले पाइपिंग लगती थी सेम वही तरीका हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, सिंपल इस तरह मैंने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है सिंपल। अब मैं दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह, ये बैक साइड उसकी दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही हमने एक सिलाई में लगा लिया। ये टसल्स तैयार किया है, टसल मैंने कैसे तैयार किया है मैं वो आपको दिखाने लगी हूँ। ये 10 इंचेस की मैंने वाइट डोरी ली है और वाइट डोरी के बाद मैंने इसमें 2 इंचेस का मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और 3 इंचेस का मैंने जो ग्रीन एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक था वो लिया है। इनको नापने के बाद हम इनके टसल्स बनाते हैं। ये देखें, हम 2 लेयर्स में मैंने इस तरह इसको काट लिया है जैसे सिंपल टसल्स बनाते हैं। अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, सेम वैसे ही हमने इसको काट लेना है। ये देखें, इस तरह करके हमने सिंपल इसको 3 इंचेस पर रख के 2 इंचेस का जितना भी काटना है हमने सिंपल काट लेना है। ये मैंने कटे हुए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह लगाने हैं। इस तरह लगा के हमने इसको सेम डोरी रख के सेंटर में और हमने इस तरह सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगानी है ताकि टसल्स हमारा जो है उसकी सिलाइयाँ खुले ना। सेम इसी तरह हमने दोनों टसल्स पर अटैच कर लेना। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है और क्योंकि हमने नीचे लगाना है एम्ब्रॉयडरी वाला, हम पहले वो अटैच करेंगे उसके बाद दूसरा ऊपर प्रिंटेड वाला अटैच करेंगे। सिलाई के बाद हमने इसे सीधा करके हमने जो इसके एजेस थे वो नीट कर लिए हैं। नीट करने के बाद हम इसमें जो आप प्रिंटेड का अटैच करेंगे ने कटिंग किया। अब अपना टसल रख लेना, ये 2 इंचेस के फैब्रिक का बनाया था तो इसको रख के देख लेना कि ये सेम नीचे एम्ब्रॉयडरी वाले के ऊपर आए, वहाँ हमने चौक का निशान लगाना है। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, सेम ऐसी ही सिलाई लगानी है रखे, लेकिन इससे पहले हमने इसे निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरह सिलाई लगानी है। तो ये देखें, ये मैंने चौक से निशान लगा लिया है ताकि हमारा फैब्रिक जो है इधर उधर ना हो, सही जगह पे लगाए। उसके बाद जो हमने यानी कि इसको सिलाई लगा लेना है रख के सेम इस तरह। एम्ब्रॉयडरी टसल हमने रख के सिलाई लगाई थी, सेम वैसे ही प्रिंटेड टसल्स को भी वैसे ही रख के सिलाई लगा लेनी है। देखिए, मैंने लगा लिया सीधी। अब इसको हम सीधा कर रहे हैं और सीधा करके देख रहे हैं, देखिए सेम ऐसे ही टसल्स तैयार हो गए। इसके भी हमने एजेस नीट कर लेने हैं। इसके एजेस नीट करने के बाद हमारे टसल्स रेडी हैं, लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले अब हमें जो है ना एक टीफ कटिंग करना है। सॉरी, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था जिसकी वजह से मैं इसकी आपको लेंथ वगैरह और विड्थ दिखा नहीं सकी। लेंथ जो है 4.5 इंचीज है और जो इसकी विड्थ है वो 3 इंचीज है। इस तरह का कटिंग स्टिकी पेपर पर अपनी कटिंग करके इसको सिंपल पेपर पर अटैच कर लिया और उसके बाद जो है हमने इसके जिसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसे हम फेब्रिक ग्लू से साथ जोड़े हैं ताकि जब हम इसे सिलाई करें बिल्कुल नीट हमारा स्लीव अटैच हो। आप ना भी करें, इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, बिगनर्स के लिए अच्छी टिप्स है। इस तरह लगाना तो बहुत नीटनेस आती है ना। हमने प्रिंटेड कपड़े के दोनों लीव्स तैयार कर लेने हैं और इसमें जो सेंटर में हमने कट लगाया था वहाँ रख के हमने इसको पिन से अटैच कर देना है और उसके बाद जो नीचे से टसल्स हमने अटैच करना है बिल्कुल इसके नोक पे हमने टसल रख के उसको अटैच करना है ताकि जब हम सिलाई करें तो बिल्कुल ये ठहर जाए। पिन लगाने के बाद हमने टसल सेट करना है और उसके ऊपर हमने फ्लावर सेट करना है। फ्लावर को भी पिन लगा लेंगे और टसल को भी सेंटर में रख के पिन लगा लेंगे ताकि जब हमने पक्का करें तो ये इधर उधर ना हो। ये देखिए, हमारा हो गया। अब हम इसके देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, बिल्कुल सही से टसल अटैच हुआ है। ये देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगाई है और जो फ्लावर्स है उसको मैं आपके सामने सुई के साथ अटैच करके दिखाती हूँ। हर लीफ पर एक एक टांका लगाना है और सेंटर में हमने जो बटन लगाना है उसको हमने 2-3 टांके लगाने हैं ताकि पक्का हो जाए। जब हम हर लीफ पे एक टांका लगाएंगे तो वैसे ही फ्लावर हमारा अटैच अच्छा हो जाएगा और जो बटन है सेंटर में जो हमने सिल्वर कलर का बटन लगाना है उसको हमने 3-4 टांके लगाने हैं ताकि अच्छे से पक्का अटैच हो जाए। लीफ पर टांका लगाने के बाद हमने बटन लगाना है, उसके बाद हमारा ये जो फ्लावर है ये भी रेडी हो जाएगा।
आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसके नीचे एक शटल ब्रीक शटल लेस की लाइन लगाई थी, शटल लेस नीचे रख के ऊपर कपड़ा फैब्रिक रख के स्लीव का, तो मैंने ऊपर सिंपल सिलाई लगा दी थी, हमारी अटैच हो गई थी। ये देखिए हमारी जो स्लीव है वो रेडी हो गई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं और पैनी भी बड़ी अच्छी लुक देती हैं, क्योंकि इनके जो टसल्स हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। बैक से दिखा रही हूँ आपको, देखिए देखिए बैक पे कुछ भी है, जस्ट एक सिंपल एक सिलाई है, सिंपल सी और प्यारी सी डिजाइनिंग। के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।